इस वक्त एक बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। एंजेलिया केस में मुंबई पुलिस के एपीआई सचिन बाजे की गिरफ्तारी के बाद एनआईए की टीम अब एक इनोवा गाड़ी की जांच में जुटी हुई है। इस इनोवा कार को कल रात एनआईए के दफ्तर में क्रेन की मदद से लाया गया था। सूत्रों के मुताबिक ये वही गाड़ी है जो सीसीटीवी फुटेज के अंदर आपको दिखाई दे रही है। सीसीटीवी फुटेज में स्कॉर्पियो और इनोवा ये दोनों गाड़ियां आपको दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक इस गाड़ी का इस्तेमाल बाजी और उनकी टीम करती थी। और हमारे संवाददाता गणेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, क्या अपडेट मिल रहा है इस वक्त? जी देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये कार जो है कार तरफ से मिली है। जो एनआईए की टीम का कहना है कि उस रात स्कॉर्पियो कार के पीछे जो कार थी ये वही इनोवा कार है, और इसी वजह से एनआईए की टीम ने इस कार को कल सीज किया है और अपने कस्टडी में लिया है। आज अदालत में भी इस बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी कि आखिर ये कार कब और कौन इस्तेमाल करता था। उस रात की कार एंटीलिया के पीछे थी और सचिन बाजे इसका इस्तेमाल करते थे, ऐसा एनआईए सूत्र बताते हैं, और यही बात आज अदालत में भी रखी जाएगी। स्कॉर्पियो गाड़ी भी सचिन बाजे के पास हुआ करती थी, ऐसा आरोप पहले ही मनसुख हिरण के परिवार ने लगाया था, और ये भी अब कहीं ना कहीं साफ हो रहा है कि स्कॉर्पियो कार उनके पास ही थी और पीछे की इनोवा कार भी वो इस्तेमाल करते थे, और इसी वजह से इस गाड़ी को भी एनआईए ने कल रात सीज किया है। तो गणेश, सबसे बड़ा सवाल ये है कि किस तरह की सुराग उस गाड़ी से मिलने की उम्मीद अब जताई जा रही है। गणेश, क्या आज देखिए, अगर एनआईए की टीम ये साबित कर देती है कि स्कॉर्पियो वाजे के पास थी और जी बिल्कुल, अगर सचिन वाजे ये गाड़ी इस्तेमाल कर रहे थे ऐसा अदालत में बताने के लिए एनआईए जो है वो सफल होती है बताने में, तो निश्चित रूप से ये केस वैसे ही क्रैक हो जाएगा। स्कॉर्पियो गाड़ी उनके पास थी ऐसा आरोप लगाया गया और एनआईए ने उसकी जांच की, तो एनआईए को जांच में ये पता चला है कि स्कॉर्पियो कार भी इनसे लिंक हो रहे थे, और उसी की जांच करते समय इनोवा गाड़ी में भी पता के बारे में पता चला कि इनोवा कार भी दक्षिण मुंबई में रहती थी और उसको भी वाजे कई बार इस्तेमाल करते थे, कुछ सरकारी काम के लिए भी उन्होंने इस्तेमाल किया था। हालांकि ये पुलिस की गाड़ी नहीं है, ये व्हीकल है जो वो इस्तेमाल करते थे, लेकिन इस गाड़ी के पीछे पुलिस भी लिखा हुआ है, तो डिपार्टमेंट की ये कार नहीं है ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन और हमारे एक और संवाददाता सूरज ओझा भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। एनआईए में आज पेशी होनी है, तो इससे क्या क्या जुड़ी और जानकारी मिल पा रही है? सूरज से हमारा संपर्क इस वक्त नहीं हो पा रहा है। पूरी तरीके से वाजे की गिरफ्तारी के बाद ये केस का रुख मुड़ता हुआ नजर आ रहा है। मुंबई के एंटीलिया केस से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर आप देख रहे हैं। कल देर रात वाजे की गिरफ्तारी हुई, इस खबर से जुड़ी हुई पूरी खबर आपको विस्तार से आगे बताएंगे। ये रिपोर्ट के जरिए आप समझिए ये पूरा मामला आखिर क्या था और वाजे की गिरफ्तारी से जुड़े हर एक लिंक। मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक मिलने के मामले में संदेह के घेरे में चल रहे सचिन वाजे पर गाज गिर ही गई। एनआईए ने 13 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सचिन वाजे को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। सचिन वाजे पर फर्जीवाड़ा करने और आपराधिक साजिश रचने की धाराएं भी लगाई गई हैं। समय हम एनआईए के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और देर रात उनकी गिरफ्तारी जो है वो जाहिर की गई है। यही वो इमारत है जहां पर सचिन वाजे से सुबह 11 बजे से लेकर देर रात 11:50 तक जो है पूछताछ की गई है। 13 घंटे के बाद उनकी गिरफ्तारी यहां पर दिखा दी गई है, जिसके बाद अब यहां पुलिस का जो जमावड़ा है वो भी नजर आ रहा है। सचिन वाजे की आज मेडिकल जाँच कराने के बाद आज उन्हें स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां एनआईए उनकी रिमांड की मांग करेगी। इससे पहले थाने की अदालत ने सचिन वाजे को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि 25 फरवरी को उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास से कुछ दूर एक स्कॉर्पियो कार बरामद हुई थी, जिसके अंदर जिलेटिन की छड़ें रखी गई थी। इस मामले की शुरुआती जाँच करने वालों में सचिन वाजे शामिल थे, बाद में उन्हें इस केस से हटा दिया गया था और मामले की जाँच एनआईए ने अपने हाथों में ले ली थी।
मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास कार में विस्फोटक रखने के मामले में सचिन वाजे तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन इस केस से जुड़े कई पेच ऐसे हैं जिन्हें सुलझाने के लिए जांच का दायरा बढ़ाने की जरूरत है। लिहाजा एनआईए स्कॉर्पियो गाड़ी के चोरी होने का मामला और मनसुख हिरेन की मौत के मामले की जांच भी अपने पास ले सकती है। हिरेन ने दावा किया था कि कार उनकी है, लेकिन घटना से एक हफ्ते पहले वह चोरी हो गई थी। इस मामले में उस समय पेच आया जब हिरेन 5 मार्च को ठाणे में एक नदी किनारे मृत पाए गए थे। इन दोनों मामलों की जांच भी एनआईए कर सकती है। एनआईए एक्ट की धारा 8 के मुताबिक एनआईए को यह अधिकार है कि वो एक दूसरे से जुड़े अपराधों को जांच के लिए अपने पास ले सकती है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।